नमस्कार साथियों, आप लोगों को पता होगा कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की जनता को मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि किस तरह से साउथ एमसीडी के जो लगभग 2457 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी को नॉर्थ को देने थे, नॉर्थ एमसीडी को वो 2457 करोड़ रुपए उसको जीरो कर दिया गया, उसको माफ कर दिया गया, उसको वेव ऑफ कर दिया गया और नॉर्थ एमसीडी ने कहा कि अब हमें साउथ से ये पैसे हमें नहीं लेने, अब हम इनको नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में जब पूरी की पूरी एमसीडी घाटे में जा रही है, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं, सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, कोरोना के समय में नर्सेस हड़ताल पे हैं, टीचर्स पैसे मांग रहे हैं, उनको चार चार पांच पांच महीने की सैलरी नहीं मिली है, ऐसी स्थिति में साउथ एमसीडी को जो 2457 करोड़ रुपए नॉर्थ को देने थे इन्होंने उसको वेव ऑफ कर दिया, उसको माफ कर दिया गया। हमने इनसे पूछा कि भाई आपने किस लॉजिक के आधार पर यह किया है, किस जानकारी के आधार पर आपने किया है, तो इन्होंने एक लेटर हमें कल रिसीव हुआ, उस लेटर की एक पेज यह है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि चूंकि साउथ और नॉर्थ के दोनों एमसीडी के जो कमिश्नर हैं एक ही व्यक्ति हैं, साउथ के भी भारती जी हैं, नॉर्थ के भी भारती जी हैं, चूंकि दोनों एमसीडी के कमिश्नर एक हैं इसलिए पैसा माफ कर देते हैं हम। तो पहले तो मैं सोचता था कि आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है, जब पकड़ा जाता है तो कम से कम बहाने तो ठीक बनाता है कि जी भूख लगी थी, परिवार में पैसे नहीं थे, ये दिक्कत हो गई थी जी, वो दिक्कत हो गई थी, ऐसे हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है दुनिया के अंदर सबसे हास्यप्रद, सबसे फनी लॉजिक मुझे लगता है ये आज इन्होंने दिया है कि हमने 2457 करोड़ रुपए इसलिए माफ कर दिए क्योंकि दोनों कमिश्नर एक ही हैं। तो हमने कहा जी फिर जब दोनों कमिश्नर एक ही हैं तो फिर क्या क्या करना, क्यों पैसे मांगना एक दूसरे से, एक ही व्यक्ति है तो क्या है? वो अपने आप से कैसे मांगेगा, एक ही कमिश्नर है। तो उन्होंने कहा कि जी वो अपने आप को कैसे लेटर लिखेगा, इसलिए 2457 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिए। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को समझती क्या है। 15 साल से आपके भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता सह रही है। 15 साल से जब कोई दिल्ली वाला, चाहे वो जीके में रहता हो, चाहे वो सोनिया विहार में रहता हो, चाहे वो कोंडली के अंदर रहता हो, चाहे वो विश्वास नगर के अंदर रहता हो, जब कोई दिल्ली वाला अपना घर बनाता है तो भाजपा के काउंसलर को पैसे देता है। 15 साल से जब वो गली के अपने बाहर निकलता है घर से तो उसकी गली में कूड़ा पड़ा रहता है। 15 साल से जब वो दिल्ली के अंदर घुसता है तो उसका स्वागत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ करते हैं। पिछले 15 साल से दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी का जुल्म सह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन और भारतीय जनता पार्टी की एरोगेंस और अहंकार को सह रहे हैं। और उन्हें लगता है कि इस तरह की बातें करकर वो दिल्ली वालों का एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारा एक तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं वो। साथियों, हम जो भी बातचीत करते हैं डॉक्यूमेंट बेसिस पे बात करते हैं। हमने 2019 में प्रश्न पूछा नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर से कि आपको कितना पैसा लेना है साउथ से,
उन्होंने रिप्लाई किया कि हमें इतना पैसा लेना है, हमने ।2020 में प्रश्न पूछा, उन्होंने रिप्लाई किया कि हमें इतना पैसा लेना है। पिछले 2012-13 से लगातार कमिश्नर्स लेटर लिख रहे हैं नॉर्थ के साउथ को कि हमारे पैसे जो आपके सिविक सेंटर के रेंट के पैसे, ये सारा का सारा पैसा हमारे को दो। तो 2013 से आप पैसे मांग रहे हो 2020 तक, और अचानक आप ये कहते हो कि हम आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमारा हिसाब बराबर हो गया क्योंकि एक ही आदमी दोनों जगह का कमिश्नर हो गया है, इसलिए पैसे की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा मजाकिया और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को पहुंचा दिया कि अब तो चोरी भी कर रहे हैं और चोरी को छिपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, अब तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके, गुंडागर्दी करते करके, दादागिरी करके, एक तरीके से पूरी तरह से ये पैसे की चोरी कर रहे हैं। इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। और मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, मैं एमसीडी के कर्मचारियों को और अधिकारियों को कहना चाहता हूं, मात्र 1 साल बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो पत्ता कटने वाला है, ये सारे नेता चुनाव हारेंगे, ये सारे के सारे, इनका पत्ता खत्म हो गया, इनकी राजनीति खत्म होने वाली है, आप लोग इनके साथ मत मिलो, अधिकारी इनके साथ ना मिले, और इनके साथ जो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेलने खेल रहे हैं, इनका लक्ष्य एक ही है कि अगर 1 साल बचा है इसमें पूरी एमसीडी को बेच दें। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अधिकारियों को कि ये आपकी खैर है कि अगर आपने ये गलत किया तो 1 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है एमसीडी के अंदर, आप सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप सबको जेल भेजेंगे। साथियों, एक दूसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे अपनी बात रखनी है, हो गया जी? कहते हैं कि जब किसी राजा का पतन होता है या किसी भी राज्य की आपको यह स्थिति देखनी है कि उसकी वो कैसा फंक्शन कर रहा है, किस तरह की स्थिति चल रही है उस राज्य की, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि वो राज्य अपने नागरिकों से टैक्स किस तरह के ले रहा है, कैसे टैक्स ले रहा है, टैक्स में बढ़ोतरी है, टैक्स में कमी है। एक तरफ दिल्ली की सरकार है जो पिछले 6 साल से शासन में है, एक भी टैक्स हमने नहीं बढ़ाया बल्कि टैक्स खत्म किया है, और खत्म करके हमने पूरे बजट को 2 गुना किया है। पिछले 3 दिनों के अंदर नॉर्थ एमसीडी ने, साउथ एमसीडी ने और ईस्ट एमसीडी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है, और इन तीनों एमसीडी ने मिलकर दिल्ली की जनता पर टैक्स की बरसात कर दी है, नए करों की बरसात कर दी है। जो नए टैक्स दिल्ली की जनता को अब देने पड़ेंगे, मैं एक एक करके पढ़ता चला जाता हूं क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। अब दिल्ली की जनता को जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, एडवोकेट हैं, उनको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। अब दिल्ली की जनता को बेटरमेंट टैक्स देना पड़ेगा, सुधार टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को अब प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ट्रांसफर ड्यूटी देनी पड़ेगी। दिल्ली की जनता के जितने भी व्यापारी हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, उनको फैक्ट्री लाइसेंस के लिए जो फीस देनी थी वो 2 गुना फीस देनी पड़ेगी। किसी भी व्यापारी को जो ट्रेड लाइसेंस लेना चाहता है, उस ट्रेड लाइसेंस का शुल्क महंगा हो गया। किसी भी व्यक्ति को अगर हेल्थ लाइसेंस लेना है तो हेल्थ लाइसेंस का टैक्स फीस जो बढ़ गया। कमर्शियल हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिए गए।
रेजिडेंशियल हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिए गए। कूड़ा उठाने पर, जो इनका मेन धर्म है जिसके लिए एमसीडी बनाई गई है, कूड़ा उठाने का जो चार्ज था उसे बढ़ा दिया गया है। जो खाली लैंड पड़े हुए, जो वेकेंट लैंड है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया और एजुकेशन टैक्स बढ़ा दिया गया। तीनों बजट को अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो 11 नए तरीके के टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। अब दिल्ली की जनता को, जो कि इस कोरोना के दौरान हर व्यक्ति की इनकम 20% भी नहीं रह गई है, 25% भी नहीं रह गई है, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 11 नए तरीके के टैक्स लगा दिए हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठी पार्टी कोई नहीं हो सकती, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेईमान पार्टी नहीं कोई हो सकती। जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, 2017 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता के ऊपर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे, दिल्ली की जनता के ऊपर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे, आज स्थिति हो गई कि इन्होंने 11 नए तरीके के टैक्स लगाए हैं दिल्ली की जनता के ऊपर। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और मुझे तो अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है कि अब मुश्किल से एक साल बचे हैं, अब एमसीडी को जितना लूट सकते हो, जितना खा सकते हो, जितना बेच सकते हो, सब कुछ बेच करके, सब कुछ करके खत्म कर दो, क्योंकि अब उनको वापस आना नहीं है। आम आदमी पार्टी इन सारे टैक्स जो बढ़े हैं इसका विरोध करती है और इसमें दिल्ली की जनता के बीच में जाएगी, उनको जागरूक करेगी और इसके ऊपर एक पूरा जन आंदोलन खड़ा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दोनों ईस्ट और नॉर्थ के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ समय से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता एमसीडी में बैठे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो समझ से बाहर है। वो ऐसा लग रहा है कि उनको पता चल गया है कि वो बहुत जल्द सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, तो जाते जाते वो जितना लूट सकते हैं वो लूट लें। आप देखिए, एक तरफ वो पार्किंग माफियाओं का करोड़ों बकाया माफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के आम जनता पर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं। एक तरफ वो विज्ञापन माफियाओं का करोड़ों रुपए माफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता पर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं। एक तरफ वो साउथ एमसीडी के करोड़ों 2400 करोड़ रुपए बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी के अप्रूवल के माफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं। जो एक तरफ वो नावल्टी जैसी ऐतिहासिक प्रॉपर्टियां एमसीडी की वो बेच रहे हैं, दिल्ली की जनता पर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारे पैसे नहीं है। ये जो हो रहा है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो उनकी सत्ता जाने वाली है, और जाते जाते 14 साल में इनका पेट नहीं भरा लूट लूट के, जाते जाते ये प्रॉपर्टी बेच के, टैक्स बढ़ा के, पार्किंग वालों से सेटिंग करके, विज्ञापन वालों से सेटिंग करके, सब कुछ इसको खोखला कर देना चाहते हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इतने बेशरम, इतने भ्रष्ट, इतने नकारा नेता मैंने आज तक नहीं देखे जो भारतीय जनता पार्टी के। तो इनको वैसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार है नहीं, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं सत्ता जब तक दिल्ली की जनता इनको भगा भगा के यहाँ से भगाएगी नहीं। धन्यवाद। मनोज त्यागी जी, नमस्कार साथियों। वैसे तो हमारे नेता दुर्गेश पाटिल जी ने आपको सभी बता दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका एक पार्षद जो साउथ एमसीडी से 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, ये साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षदों को इस बार टिकट दी गई और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक स्लोगन दिया था, नए परिंदे नई उड़ान, वो नई उड़ान किसी विकास को लेकर नहीं थी, नई उड़ान कोई स्वच्छता अभियान में नंबर वन आने के लिए नहीं थी, नई उड़ान कोई अच्छा करने का नहीं था कि नगर निगम में बहुत अच्छा काम करेंगे, वो नई उड़ान सिर्फ इसलिए थी कि भ्रष्टाचार में जो सबसे ज्यादा कर सकता हो
वो उस तरीके की उड़ान थी कि भ्रष्टाचार करने में नंबर वन कौन आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उसी में लगे हुए हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर गरीब जनता रहती है, जो टैक्स देता है उसके मकान उसकी दुकानों को सील कर दिया जाता है, जो टैक्स नहीं देता वहां से टैक्स मांगा भी नहीं जाता। तो बहुत अलग तरीके से इनकी काम करने की नीति है, नीति और नियति इनकी दोनों तरीके से खराब है। आज एक प्राइवेट कंपनी को जिस काम को निगम स्वयं 70 करोड़ रुपए सालाना खर्चे पे कर रहा था, उसी काम को इन्होंने 220 करोड़ रुपए सालाना खर्चे पे कूड़ा उठाने का काम एक निजी कंपनी को दे दिया। तो ये जनता के जो टैक्स का पैसा है उसको बहुत ही अनायास उड़ाने का काम कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लूटने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि निजी कंपनियों को काम देने से इनको भ्रष्टाचार की मलाई मिलती है, इसलिए निजी कंपनियों को काम दे रहे हैं। छोटी जैसे हमारे सब मशीन है, उसकी स्वीपिंग मशीन का संचालन नगर निगम खुद भी कर सकता है, जो सड़कों पे झाड़ू लगाती है मशीन, लेकिन उसको ये एक निजी कंपनी को दे करके वही काम जो ये 30-40 हजार रुपए महीने में कर सकते हैं उसको 1.5-1.5 लाख रुपए महीने में कर रहे हैं एक मशीन को संचालन करने में। तो ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जनता का पैसा है, जो हलाल की कमाई है, जो सारा दिन आदमी खून पसीना बहा करके कमाता है और उसके बाद हाउस टैक्स देता है या कोई ट्रेड लाइसेंस बनवाता है या और कोई दूसरे कामों के लिए लाइसेंस की फीस देता है, वो सारे पैसे जो नगर निगम के अंदर आते हैं उसको ये उड़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर बोलते हैं कि नगर निगम का काम कमाई का नहीं है, सेवा का है। ना तो ये सेवा में कहीं दिखाई देते हैं, ना ये नगर निगम के पैसे को कहीं संजो के रखने में कामयाबी इनकी दिखाई देती है। तो ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। और जिस तरीके का इन्होंने इस बार ये बजट दिया है, इस बजट में तमाम तरह की खामियां हैं, तमाम तरह के जो टैक्स लगाए हैं ये गलत हैं और हम लोग इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और ये भ्रष्टाचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। आने वाले समय में दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। और जिस तरीके से आदमी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के ट्रेड लाइसेंस और तमाम चीजों में भ्रष्टाचार, मतलब पैसा देने के लिए मजबूर है छोटी छोटे चीज बनवाने में, वो सारी दिल्ली की जनता इस बार बदलने के लिए जा रही है और आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन देगी और इन भारतीय जनता पार्टी के नकारा नेताओं को उनके घर भेजने का काम करेगी। धन्यवाद। कोई प्रश्न? ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? क्या कोई कानूनी कार्रवाई? क्योंकि बार बार आप लोग करप्शन का आरोप लगाते हैं, मुद्दा यही रह जाता है, इसमें कोई कार्रवाई होती नहीं है। देखिए, इसमें जो ये प्रॉपर्टी टैक्स वाला जो इन्होंने साउथ का इसमें कर रहे हैं, इसमें हम पूरा एग्जामिन कर रहे हैं कि इस पे ऊपर क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। इसमें सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं और ये गलत है, अगर ऐसा होता है तो हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि अभी ये मामला स्टैंडिंग में भी आएगा और अगर स्टैंडिंग पास करती है और पास होता है तो फिर हम इसको कोर्ट में भी जाएंगे और साथ ही साथ हम इसके ऊपर पूरा आंदोलन भी करेंगे। ये जो तीनों मेयर मुख्यमंत्री के घर के आवास के बाहर बैठे हुए हैं, 13,000 करोड़ रुपए की बकाया की मांग कर रहे हैं आप लोगों से, इस तरह के ट्रांजेक्शन से आप लोग क्या जनता को आप आगे बताएंगे? क्योंकि मामला ये भी एक तरह से कि 2400 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, उसको वेव ऑफ कर दिया गया कि 13,000 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, ये देश फाइनेंशियल कमीशन के आधार पर चलता है। अगर एक सरकार दूसरे सरकार को पैसा नहीं देती है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करके कोर्ट सारी चीज़ों को डील करता है। पिछले 6 महीने से हम इस तरह की एक अनर्गल प्रोपोगंडा सुन रहे हैं, लेकिन अगर इसमें जरा सा भी तख्त होता तो अब तक सारी चीज़ें दूध का दूध दूध का पानी हो जाता, लेकिन ये सब एक ड्रामा है। देखिए, आज दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान आके बैठे हुए हैं, उनको पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो जिस भी तरह के लोग हों, हर व्यक्ति आज देश का किसानों के साथ खड़ा है। इनके पास मुंह छुपाने का एक कोई एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहते हैं जी ऊपर से आदेश है इसलिए बैठे हैं, और कोई रीजन नहीं है बैठने का। उनको भी पता है कि कोई मामला नहीं बनता, कोई तरीका नहीं बनता। वो कह रहे थे जी हमारे पास पैसा नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब आंदोलन हुआ, जब डॉक्टर उस तरफ हर तरफ गए तो उन्होंने फिर बुला बुला के सबको सैलरी दी।
आपने देखा कि किस तरह से साउथ के 2400 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। तो पैसा तो है, बस ये दिल्ली सरकार को एक बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है। और दूसरा, किसान आंदोलन से ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान भटके, लोग अरविंद केजरीवाल जी के घर पे मेयर बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी के घर पे कोई और बैठा हुआ, ये प्रदर्शन चल रहा है, ये एजेंडा बने, ये इनकी कोशिश है। लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता समझती है वो इनके फांसे में नहीं आएगी। धन्यवाद। किसान आंदोलन का क्या रिसर्च निकलेगा या